नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, आज कुछ अहम जानकारी के साथ मैं आप तक आया हूं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि SMS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जो कि नागपुर की कंपनी है, उसने यवतमाल ज़िले में दिग्रस तहसील में किस तरीके से अवैध खनन किया है, उसके बारे में कुछ अहम दस्तावेज हमारे पास हैं। दोस्तों, एक सम्मति पत्र हमारे हाथ में है, जो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, लिख के देने वाले और लिख कर लेने वाले दोनों का नाम है। लिख के देने वाले जुम्मा मस्जिद संस्थान दिग्रस के सचिव हाजी हारून हाजी अब्बा तैयब ईसानी जी, और लिख के लेने वाले SMS लिमिटेड IT पार्क गायत्री नगर नागपुर के तरफ से सुमित योगेंद्र नाइक। दोस्तों, इनके बीच ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक नोटरी हुआ है, करारनामा हुआ है, और जिस करारनामा में क्या क्या हुआ है वो बड़ी जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि लगभग 23 एकड़ ज़मीन में ये खनन करने वाले हैं, और 23 एकड़ ज़मीन के खनन के लिए 2 लाख रुपये जुम्मा मस्जिद को ये देने वाले थे, यानी कि SMS कंपनी देने वाली थी। 23 एकड़ खनन का पहला टप्पा, जिसमें 23 एकड़ में से 5 एकड़ का खनन किया गया, और मुद्दा ये है कि पहले टप्पे में ही जो खनन किया गया है उसमें बिना रॉयल्टी ऑनलाइन या ऑफलाइन का यहाँ पे खनन किया गया है। यहाँ पे तहसीलदार से कोई परमिशन यहाँ पे नहीं लिया गया है, और जिसका करारनामा मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, जिस ज़मीन को वो खोदेंगे, जहाँ से खनन करेंगे, जो टेकड़ी का भाग होता है उसे वो खनन करने के बाद उसमें जो गड्ढे होंगे, उस गड्ढे में 40 से 50 ट्रिप प्रति एकड़ काली मिट्टी वहाँ पे ये भरेंगे, SMS कंपनी का ये कहना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़, SMS कंपनी ने ये करारनामा किया है कि ये यहाँ से जो खनन किया जा रहा है मिट्टी, उस मिट्टी को यवतमाल नांदेड़ रेलवे प्रकल्प निर्माण कार्य में उपयोग में लाएंगे, जो कि उपयोग में ला भी रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो अगले मुद्दे में लिखा है, कि इससे इस खनन को लेकर के जो भी शुल्क होगा, जो भी पेपर या फिर कागजी कार्रवाई होगी, परमिशन से लेकर सारी चीज़ें, राजस्व को जो शुल्क दिया जाता है, वो सारी शुल्क की प्रक्रिया SMS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी नागपुर ये करने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि ये करारनामा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अलग है, और SMS कंपनी के कारनामे बिल्कुल अलग है। जो करारनामा में किया गया है वो साफ साफ झूठ साबित होते हुए दिख रहा है, यानी कि सरकार के साथ झूठ बोला जा रहा है। ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर का एक मजाक, यानी कि स्टैम्प पेपर का भी एक मजाक बनाया जा रहा है। SMS कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नागपुर IT पार्क में एक कंपनी है उसके द्वारा। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि SMS कंपनी को खनन के लिए समय की कोई सीमा नहीं होगी, खनन करते समय अपने ही मशीनरीज़ का उपयोग करेंगे, मैकेनिकल जो है उनका सारा अपना ही वो यूज़ करेंगे। साफ साफ समझ में ये आ रहा है कि जुम्मा मस्जिद संस्थान जो ईमानदारी से काम करना चाह रही है, लेकिन SMS कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नागपुर ये अपनी ईमानदारी भूल चुकी है। शायद इसलिए कि ये कंपनी बड़ी कंपनी है, और एक बड़ी कंपनी शायद ये सोचती है कि हमारे पास बड़े बड़े लोगों का पावर है, और इसलिए ऐसी कंपनियां शायद किसी भी हद तक जाती हैं, और जिसका एक जीता जागता उदाहरण है दिग्रस में करोड़ों का राजस्व का लूट SMS कंपनी ने किया है। दोस्तों, ये करारनामा के बाद आने वाले अगले एपिसोड में SMS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नागपुर के कई अहम जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे, और आपको कई और भी जानकारी देंगे कि SMS कंपनी ऐसे और कौन से कारनामे और करारनामे करती हैं और क्या कर रही हैं, और ये सब के पीछे किसका हाथ है, सवाल अभी भी बना हुआ है। आने वाले अगले एपिसोड में जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहें NBCN न्यूज़, अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। जय हिंद।